तो हेलो फ्रेंड्स, और एक नया वीडियो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ काइनमास्टर की टॉप 5 वीडियो एडिटिंग टिप्स के बारे में। तो गाइज, आप कोई भी वीडियो बनाते हो, जैसे कि गेमिंग वीडियो, फैक्ट वीडियो और बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो, तो आपको इन पाँचों टिप्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज की इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए सबसे पहले। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मान लो एक आप यहाँ पर एक वीडियो एडिट कर रहे हो और यहाँ पर जो वीडियो आप एडिट कर रहे हो उसमें एक वीडियो आप ऐड करना चाहते हो, और उस जो वीडियो आप ऐड करना चाहते हो सिर्फ उसका ऑडियो आपका चाहिए, उस वीडियो आपको नहीं चाहिए, सिर्फ उस वीडियो का एक ऑडियो चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए हो? तो पहले आप उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो मैं लेयर में जाके उस वीडियो क्लिप को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, पहले लेयर, उसके बाद मीडिया। मैं यहाँ पर एक फ़नी टेम्पलेट यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये फ़नी टेम्पलेट मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। तो सिर्फ इसका ऑडियो चाहिए, इस वीडियो फॉर्मेट में है, सिर्फ इसका मैं ऑडियो चाहिए। तो ऑडियो लेने के लिए यहाँ पर आप सिलेक्ट करके रखें, उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं वीडियो अलग हो गया और ऑडियो यहाँ पर अलग हो गया। तो आप यहाँ से वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर इसको डिलीट कर सकते हैं, तो वो जो ऑडियो रहेगा उस वीडियो फॉर्मेट का वो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा। तो इसको मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। पहले मैं इस लेयर को म्यूट कर देता हूँ, वॉल्यूम में जाके ये म्यूट कर दिया मैंने। तो सिर्फ इस वाला जो लेयर है जो ऐड किया था, सिर्फ इसी का साउंड आएगा। तो आप सुन लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये क्लिप बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर मैच हो रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ऐड किया है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी का जो वीडियो है वो उसका जो ऑडियो है आप यहाँ से अलग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सेकंड वाला जो टिप है वो ये है कि आप जब वीडियो एडिट कर रहे हो तब आपका जो वीडियो का लेंथ है वो बहुत ही बड़ा रहता है, और आप जो यहाँ पर बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो उस म्यूजिक का जो लेंथ है वो बहुत ही छोटा रहता है। तो छोटा म्यूजिक को पूरा वीडियो में आप कैसे लगा सकते हो? तो इसलिए आपको पहले मैं इस लेयर को बड़ा कर लेता हूँ और 2-3 लेयर यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर बहुत सारा लेयर यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। तो फिर मैं इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको पहले जाना है ऑडियो में, उसके बाद आपको फोल्डर में जाके आपको बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ पर चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर चूज कर लिया है। तो बैकग्राउंड जो म्यूजिक है इसका जो लेंथ है यहाँ पर, इसका जो लेंथ है आप देख सकते हैं 3:07, और मेरा जो वीडियो है वीडियो का लेंथ है 5:31। तो ये जो बैकग्राउंड है इसको फुल करने के लिए आपको पहले जाना है यहाँ पर, इसके ऊपर पहले क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको इन तीनों ऑप्शन को यहाँ पर आप इनेबल कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक था ये देख सकते हो अब पूरा वीडियो में आ गया है। तो बार बार आपको म्यूजिक यहाँ पर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आएगा, टॉकिंग लूप और लूप टू एंड, यहाँ पर तीनों ऑप्शन ऑफ रहेगा, इन तीनों को आपको यहाँ पर से एनेबल कर देना है, उसके बाद यहाँ पर टिक कर दीजिए, तो ये फुल वीडियो में यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका एक गेमिंग चैनल है तो कभी ना कभी आपको एक थंबनेल लेने का ज़रूरत हो जाता है। तो इसके लिए आपका जो गेमिंग वीडियो है यहाँ पर एडिट करने के टाइम में आप जब यहाँ पर हेडशॉट मार रहे हो तब उसी टाइम पे एक स्क्रीनशॉट लिख के रख सकते हो, तो वो थंबनेल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं इसी पॉइंट पे मैं हेडशॉट मारा है, तो मैं यहाँ पर एक इसी इमेज को मैं थंबनेल बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, फिर पहले तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद कैप्चर एंड सेव, तो कैप्चर होके गैलरी में सेव हो जाएगा अपने आप। तो गाइस, आप जो कैप्चर किए हो
तो उस इमेज को आप एडिट करके थंबनेल के लिए यूज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो इमेज। तो मैं यहाँ पर से वो इमेज को मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं वो इमेज यहाँ पर आ गया है। तो इसी इमेज को मैं यहाँ पर गैलरी में सेव किया था। तो इसको थोड़ा बहुत एडिट करके आप थंबनेल के लिए यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर में जो ट्रिक है उसको अप्लाई करने के लिए आपको पहले जाना है सेटिंग में। यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है वीडियो में। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगी, वीडियो फेड इन और वीडियो फेड आउट। तो आपको यहाँ पर वीडियो फेड आउट के ऊपर यहाँ पर इसको एनेबल कर देना है। तो डबल टैप यहाँ पर करोगी तो ये एनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कितना सेकंड के लिए आप फेड आउट को रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर 1 सेकंड रखता हूँ। तो आपके मन मुताबिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको दिखाता हूँ इसका काम क्या है। तो मैं जाता हूँ, तो एक बार मैं यहाँ पर वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ कैसा लगता है ये। तो आप देख सकते हैं कुछ ब्लैक टाइप सा आके वीडियो ख़त्म हुआ है। तो इसका वही काम है। आपको कितना सेकंड के लिए रखना है तो आप यहाँ पर जाके आप इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर 15 सेकंड तक है, 0 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक है। आप कोई भी आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट वाले जो ट्रिप है उसको आपको एनेबल करने के लिए पहले जाना होगा सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल कर देना है। आपको यहाँ पर दिखाई देगी एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ दो ऑप्शन को यहाँ पर एनेबल कर देना है। इनेबल सेविंग विथ अप टू 60 FPS, इसको यहाँ पर एनेबल कर देना है। और उसके बाद अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड, इसको आपको यहाँ पर एनेबल कर देना है। यहाँ पर कंटिन्यू एनीवे। तो आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 FPS तक आपको यहाँ पर फ्रेम रेट यहाँ पर मिल रहा है। तो वो ऑप्शन जब आप यहाँ एनेबल करोगे तब यहाँ पर आपको 60 FPS तक ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 60 FPS चूज करके, रेजोल्यूशन चूज करके आप यहाँ पर सेव एज वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। और एक सेटिंग में यहाँ पर जो किया है वो है अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड। इसका मतलब है आप कई सारे, जब आप वीडियो एडिट करोगे आप कई सारे लेयर एक साथ एडिट कर पाओगे इसको एनेबल रखोगे। तो यही था आज का वीडियो। आई होप गाइज इस वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से जाके एक सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।